गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. आई एम रिमना, योर मैथ टीचर. बेटा, आज हम करेंगे रिवीजन ऑफ इनिंग्स 13.1. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिसिंग लेंथ इन द गिवन फिगर. इट इज गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज 28 सेंटीमीटर. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर बनी है आपकी बुक में, उसकी ये लेंथ मिसिंग है, तो हमने ये फाइंड करनी है. और आपको पेरीमीटर फिगर का गिवन है, वो कितना है? 28 सेंटीमीटर. ठीक है, तो बेटा आपको पता है, कल हमने डिस्कस किया था पेरीमीटर क्या होता है. ये जो उसकी बाउंड्री होती है, ये आपकी क्लोज्ड फिगर की, सबसे पहले तो ये क्लोज्ड होनी चाहिए, और उसकी जो बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है, वो होता है उस फिगर का पेरीमीटर. अब आपको पेरीमीटर तो पहले से ही गिवन है ना, तो फिर आप क्या करोगे? सो इट मीन्स जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका कितना आंसर आना चाहिए? 28. लेकिन आपकी तो ये लेंथ मिसिंग, आपने ये फाइंड करनी है, तो इट मीन्स जो इन सभी का प्लस आएगा उसको आप क्या करोगे, 28 में से क्या करोगे? माइनस, है ना. ये वाला क्वेश्चन तो बेटा इतना ईजी है कि आप ऑरली कर सकते हो. देखो कैसे, 6 + 4 = 10, 10 + 10 = 20, और ये हो गया आपका 23. तो यहाँ पे देखो कितना हम आए, इसकी लेंथ कीजिए, हमारे पास इसको जो टोटल पेरीमीटर है वो 28 हो जाए. 23 में कितने प्लस करेंगे कि 28 हो जाए? चाहे आप अपने फिंगर पे ही कर लो, 24 25 26 27 28, तो कितने नंबर आए? 5. तो इट मीन्स यहाँ पे जो मिसिंग लेंथ आएगी वो कितनी आएगी? 5. तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहे एक्स लेके कर लो, जैसे भी आपको इजी लगता है. ठीक है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. 28 - 23 = 5 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, फाइंड द पेरीमीटर. आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारी फिगर्स बनी हुई हैं, आपने उनका पेरीमीटर फाइंड करना है. ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि आपने खुद करना है ये. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है. आप क्या करोगे, इसको सभी साइड्स को क्या कर दोगे? प्लस. यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 + इधर को चलेंगे हम, इधर को 2 + 4, हाँ जी बोलो आगे, 3 + 3 + 3 + 4 + 2, यहाँ तक हो गया, देन +4, देन +3 + 3 + 3 + 4. ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया. तो आपने क्या करना है, इन सबको क्या करोगे? प्लस करोगे, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो सिंपल प्लस करके आपने इसका आंसर कर देना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर टाइल हुज पेरीमीटर इज 176 सेंटीमीटर. तो देखो बेटा, हमें पेरीमीटर गिवन है 176 सेंटीमीटर. हमसे उल्टा पूछा है साइड फाइंड करनी है ऑफ स्क्वायर की. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो गिवन है, हम भी उल्टा कर देंगे, हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे. क्या फॉर्मूला होता है? 4 × साइड, 4 × साइड = 176. आंसर हमें पहले से गिवन है पेरीमीटर का. हमने साइड फाइंड करनी है, क्या करेंगे? 176 / 4. ओके, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, और पीछे सेंटीमीटर लगाना, क्योंकि पेरीमीटर जो है हमें पहले से सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, काजल वांट्स टू सील ए बॉक्स इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर. काजल क्या करना चाहती है, वो एक बॉक्स को सील करना चाहती है, और उसकी शेप क्या है? इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन. जब बेटा रेगुलर ऑक्टागन लिख दिया, इट मीन्स उसकी सभी साइड्स की जो लेंथ है वो सेम है. और ऑक्टागन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? कितनी होती हैं? यस, 8. फाइंड द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, मीन्स कि उसने बॉक्स के चारों तरफ वो टेप लगानी है. तो इट मीन्स हमने इसका क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर. ठीक है, तो आप इसका पेरीमीटर फाइंड करोगे, 8 × साइड = 15 × 8 मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट 4 क्वेश्चंस की रिवीजन करवा दी, अब आगे आपने ये खुद करनी है. ओके देन, बाय बेटा, टेक केयर.